दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। इन दिनों बॉलीवुड की एक अभिनेत्री बेहद चर्चा में है। यह अभिनेत्री अपने अंदाज और आवाज के लिए चर्चा में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की। परिणीति चोपड़ा करीब डेढ़ दशक पहले फिल्मी दुनिया में आई, यानी बॉलीवुड में एंट्री ली। एक हसीन खूबसूरत अभिनेत्री के तौर पर, एक अच्छी अदाकारा के तौर पर परिणीति ने फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा और करीब एक दर्जन फिल्में दी। उनकी फिल्मों में, यानी परिणीति चोपड़ा की फिल्मों में देखें तो दिल विल, नमस्ते इंग्लैंड, दावते इश्क सहित करीब एक दर्जन फिल्में रहीं। फिल्मों में उनके अभिनय को सराहा गया, पसंद किया गया, लेकिन उनकी फिल्में बॉलीवुड में एवरेज रहीं, यानी औसत रहीं। इस तरह से परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड में कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई। जब बॉलीवुड में कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई तो उन्होंने, यानी परिणीति चोपड़ा ने, अब सिंगिंग के सेक्टर में, यानी सिंगिंग की फील्ड में हाथ आजमाने की कोशिश की है। वह, यानी परिणीति चोपड़ा, सिंगिंग का शौक रखती हैं। हालांकि उन्होंने, यानी परिणीति चोपड़ा ने, फाइनेंस और बिजनेस में डिग्री हासिल की है, लेकिन वह अभिनय की दुनिया में आ गई। हालांकि वह बनना कुछ और चाहती थी और बन कुछ और गई। यहां आपको बता दें, अवगत करा दें कि ये प्रियंका चोपड़ा की कजिन है परिणीति चोपड़ा। अब जिस तरह से वह सिंगिंग में हाथ आजमा रही हैं, आवाज का और अंदाज का अपना एक नया आयाम पेश कर रही है, लाजमी है कि फिल्मी दुनिया में उनको अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली, जिससे अब वह सिंगिंग की, यानी गायकी की दुनिया में अपने फन का इजहार कर रही हैं और अपनी आवाज़ और अंदाज का बेहतर इस्तेमाल करना चाहती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आप भी सुनिए परिणीति चोपड़ा क्या गा रही हैं, कैसे गा रही हैं, उनकी आवाज़ कैसी है, उनका अंदाज कैसा है, आप भी सुनिए। बनना दीवाना दिला कुमदा जमाना दिला हथा विच लेके आरिया तेरे ते गिलाए सानू पागला दिला वे कानू ला लिया तू यारिया बड़ा समझाया तेनू समझना आया का तो करदा दिलावे कानू ला लिया तू यारिया। आपने सुना कि परिणीति चोपड़ा पंजाबी में अपनी गायकी का जो अंदाज पेश किया, जो आवाज उन्होंने पेश की, वह कहां तक दर्शकों के, श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बना पाएगी, यह तो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल परिणीति चोपड़ा गायकी की दुनिया में हाथ आजमा रही है। कभी वह प्लेबैक सिंगर के रूप में दिखती हैं तो कभी वह स्ट्रीट सिंगर के तौर पर भी दिखती हैं। कुल मिलाकर के गायकी के फन का वह इजहार कर रही हैं। एक बार फिर आप सुनिए कि उनका स्ट्रीट सिंगर का यह अंदाज कैसा है। पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हंस दी जावा ओ, ओ, ओ,
आपने परिणीति चोपड़ा को अभिनय के साथ साथ सिंगिंग की दुनिया में भी यानी गायकी की दुनिया में भी अपनी कला का, अपनी आवाज़ का, अपने अंदाज का बेहतर इस्तेमाल करते देखा। परिणीति चोपड़ा पंजाबी में गा रही हैं तो वहीं वह हिंदी में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेर रही हैं। अब यह एक अलग बात है कि हिंदी जगत में वह अपनी आवाज़ और अंदाज से श्रोताओं को, दर्शकों को कितना प्रभावित कर पाती हैं। वह हिंदी में गा रही हैं, आप एक बार फिर सुनिए कि वह यानी परिणीति चोपड़ा की आवाज़ और अंदाज की कशिश कैसी है और दर्शकों के, श्रोताओं के दिलों में वह कितना गहराई तक उतर सकती है। एक बार फिर सुनिए। जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वही पे आपने सुना परिणीति चोपड़ा को कि उनकी गायकी का अंदाज क्या है, उनकी आवाज़ में कितनी कशिश है, श्रोताओं के, दर्शकों के दिलों पर वह कितनी अपनी पैठ बना पाती हैं। अब इसे यो भी कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में कोई करिश्मा ना दिखा पाने वाली अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा अब सिंगिंग के सेक्टर में, सिंगिंग की फील्ड में हाथ आजमा रही हैं, अपना भाग्य आजमा रही हैं, तो शायद यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। अब गायकी की दुनिया में वह अपना कैसा मुकाम बना पाती हैं, किस स्तर पर जा पाती हैं, यह तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल परिणीति चोपड़ा का अभिनय के बाद गायकी का यह दूसरा स्वरूप सामने आया है बॉलीवुड की दुनिया में। अब जनता इसे यानी दर्शक बॉलीवुड के कैसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, यह एक अलग बात है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।